Hey guys, welcome to Banking 101 Tips. Banking 101 Tips के नए चैनल में आप सबका स्वागत है. मेरा नाम है विक्रमादित्य और आज हम बात करने वाले हैं कि ये OVD होता क्या है और बैंकिंग में SBI में OVD का मतलब क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. OVD का जो मतलब होता है, जब भी आप योनो अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है ओपन यूजिंग आधार डिटेल्स और सेकंड ऑप्शन रहता है ओपन यूजिंग OVD. तो OVD मतलब होता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स. तो ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, जो RBI डिसाइड करती है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए. मतलब जब किसी भी व्यक्ति का खाता अगर बनाना हो तो उसके लिए वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसे बैंक में सबमिट करने हैं जिसके बाद ही उसका खाता खुल सकेगा, तो ये बताती है RBI. और यही चीज़ SBI को फॉलो करनी होती है. तो SBI के योनो ऐप में आप देखेंगे, जब भी आप अकाउंट ओपनिंग सेक्शन में जाते हो तो वहाँ पे आपको OVD मिलता है. OVD मतलब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स. और ये कौन कौन से होते हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. तो इसमें सबसे पहला है वोटर आईडी. वोटर आईडी मतलब आपका जो इलेक्शन कार्ड होता है उस पर आपका पूरा नाम और आपका पूरा एड्रेस होना ज़रूरी है, तो ही इसे आप OVD कह सकते हैं. अगर आपका पूरा नाम नहीं है या फिर आपका एड्रेस कोई और है तो इसे OVD नहीं माना जाएगा. तो इसके लिए आपका जो पूरा नाम है और आपका पूरा एड्रेस आपके वोटर आईडी पे होना ज़रूरी है. ड्राइविंग लाइसेंस विद परमानेंट और करंट एड्रेस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा एज अ OVD जो आप बाइक वगैरह या फिर कार चलाने के लिए टू व्हीलर फोर व्हीलर जो लाइसेंस लेते हैं, या उससे भी अगर कोई ट्रक वगैरह चलाता होगा तो हैवी व्हीकल्स का लाइसेंस, वो चलेगा. उस पर आपका फुल एड्रेस होना ज़रूरी है. देन पासपोर्ट तो सबके पास नहीं होता है, फिर भी अगर आपके पास है तो वो उससे भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है. और नरेगा जॉब कार्ड, तो अगर आपके पास नरेगा जॉब कार्ड है तो वो भी आप अकाउंट ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, उसे भी एज ए OVD माना जाएगा. तो ये नरेगा जॉब कार्ड तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों के मतलब होगा, बट नॉर्मली जो यूट्यूबर्स अपने हैं जो अपने यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके पास ये नरेगा जॉब कार्ड होगा. तो ऊपर के तीन चीज़ें तो मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि आपके पास होगी ये तीन चीज़ें. तो ये कॉमनली फाउंड चीज़ें हैं जो ऊपर के तीन हैं. वोटर आईडी तो एकदम कॉमन है, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं जो बैंक SBI जो है अपना वो एज अ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के तहत इसे एक्सेप्ट करता है. तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है. तो फिर बस यही बताना था आपको कि OVD का मतलब क्या है और बैंक में इसे क्यों माना जाता है, क्योंकि RBI कहती है तो RBI के रूल्स फॉलो करने होते हैं बैंक वालों को भी. तो फिर ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे EKYC और विड्रॉल वगैरह की, ठीक है. तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.